सीतापुर, एक छोटा सा गांव, बिल्कुल शांत। यहां एक पुरानी हवेली है, ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, चारों तरफ डर का साया। गांव वाले कहते हैं ये हवेली भूतिया है, कोई भी इसके पास नहीं जाता, कोई अंदर झांकता भी नहीं। कहते हैं एक अमीर ठाकुर रहते थे यहाँ, उनकी एक बेटी थी रूपा, बहुत सुंदर थी। एक दिन रूपा गायब हो गई, ठाकुर पागल हो गए, हवेली वीरान हो गई। गांव वाले बताते हैं कि रात को हवेली में रोशनी दिखती है, किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कुछ लोगों ने तो सफेद साया भी देखा है छत पर घूमते हुए। सब डरते हैं हवेली के नाम से भी। एक बार एक आदमी शहर से आया, उसने हवेली खरीदने की बात की। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना, बोला यह सब अंधविश्वास है। उसने हवेली में ही रात बिताने का फैसला किया। रात हुई, हवा तेज चलने लगी, बिजली कड़की, खिड़कियां खटकने लगी। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, गांव वाले भागे भागे हवेली की तरफ गए, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। वो आदमी बेहोश पड़ा था, उसके चेहरे पर बहुत डर था लेकिन वहां कोई भूत नहीं था। जब वह आदमी होश में आया तो उसने बताया कि उसने एक औरत देखी थी, लेकिन वो औरत रूपा नहीं थी, वो ठाकुर की पत्नी थी। उसने बताया कि ठाकुर बहुत जालिम थे, रूपा ने भागने की कोशिश की थी, ठाकुर ने उसे मार डाला और खुद जहर खा लिया। हवेली भूतिया नहीं थी, सच्चाई तो और भी डरावनी थी, घरेलू हिंसा का एक काला सच।